रेखा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लाए हैं कुछ डिफरेंट टाइप का सैंडविच, स्मोक पनीर टिक्का सैंडविच। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो बस पूछिए ही मत, बहुत ही टेस्टी, बच्चे तो बहुत ही लाइक करते हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 छोटे साइज के प्याज जो हमने मीडियम कट कर लिए हैं, 2 टमाटर जो हमने कट कर लिए हैं, 250 ग्राम पनीर हमने कट कर लिया है, 1 चम्मच लहसुन ये भी हमने बारीक कट कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती और 2 शिमला मिर्च और 1 कटोरी बंधा हुआ दही। फ्रेंड्स, दही बांधने का तरीका हमने आपको श्रीखंड वाले वीडियो में बताया हुआ है और थोड़े से चीज क्यू और टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाउल में हमने 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल यूज में लिया है। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले डालना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे छोटा वाला चम्मच यूज में लिया है। फ्रेंड्स, छोटे साइज का चम्मच है ये, इससे हम मसाले डालेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच अमचूर, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच काला नमक। फ्रेंड्स, सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मसाले मिक्स हो गए हैं तेल में। अब हमने जो 1 कप बंधा हुआ दही लिया है वो हम डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से मसाले मिलकर के तैयार हो गए हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 1 चम्मच हम घी डालेंगे, आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, क्योंकि मैंने जीरा डाल दिया है। सबसे पहले हम इसमें लहसुन डाल देंगे। प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, दो से तीन मिनट के लिए इसको पकाएंगे। जो हमने मसाले का पेस्ट तैयार किया है वो डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस स्मोक्ड सैंडविच का पनीर टिक्के का मसाला तैयार हो रहा है। 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। पनीर भी डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, लुकिंग में ही कितना बढ़िया लग रहा है।
धनिया पत्ती भी डाल देंगे। और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। पनीर टिक्का सैंडविच का मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको स्मोक बनाने के लिए इसमें एक छोटा बाउल रख देंगे। देखिए मैंने मसाले के बीच में बाउल रख दिया है। ये हमने टुकड़े दो कोले के लिए हैं। इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल दूंगी और इसमें हम ढक्कन लगा देंगे। 5 मिनट के लिए हमने इसको ढक करके रख दिया है। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे। ढक्कन को हटा देंगे। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। कटोरी को बाहर निकाल देंगे और सैंडविच बनाने की तैयारी करेंगे। फ्रेंड्स ब्रेड पे आप बटर या घी जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रेड पे घी लगाया है, ग्रीन वाली चटनी लगाई है। मसाला फिल कर देंगे। कद्दूकस कर देंगे। आप चाहें तो चीज की स्लाइस भी लगा सकते हैं। दूसरी ब्रेड से इसको कवर कर देंगे और अच्छे से घी लगा देंगे। फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको सैंडविच मेकर में भी सेक सकते हैं। हम यहाँ पे तवा यूज में ले रहे हैं, हम इसको तवे पे तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स तवे पे बहुत अच्छे से इसको दबा दबा के सेकेंगे ताकि चीज मेल्ट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स सैंडविच बिल्कुल रेडी है। आइए सर्व करते हैं। फ्रेंड्स स्मोक पनीर टिक्का सैंडविच बिल्कुल रेडी है। मुझे उम्मीद है आज की हमारी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।